बिना वीजा के इंडिया में आना और जाना फ्री, लेकिन कैसे? एक ऐसा कार्ड जिसका नाम है OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इस कार्ड से आप इंडिया में आ और जा सकते हैं बिना वीजा के, लेकिन ये किन व्यक्तियों के लिए है? आपने देखा होगा भारतीय मूल के व्यक्ति जो पहले भारत में रहते थे वो अब बाहरले देशों में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, USA हो, कैनेडा हो, वहां पर जाकर बस चुके हैं, वहां की सिटीजनशिप भी उनको मिल चुकी है, लेकिन अब इंडिया में वो आना चाहते हैं जब उनको मन हो, वो भारत से जुड़े रहना चाहते हैं। तो इसके लिए उनको एक सुविधा दी गई है कि जब भी वो भारत आएंगे, अगर उनके पास OCI कार्ड है तो इसके लिए उनको कोई वीजा नहीं लेना पड़ेगा। अब ये OCI कार्ड कैसे बनेगा, किन व्यक्तियों को मिल सकता है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा नाम है साहिल, आप देख रहे हैं बिविस्टर, और देश के अंदर जो फ्रॉड हो रहे हैं उनसे अगर आपको बचना है तो प्लीज वो वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ऑल फ्रॉड टाइप से प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। और इतना ही नहीं, KYC डॉक्यूमेंट में आपको कभी भी कोई दिक्कत आए उसके बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों आप समझिए, OCI कार्ड के साथ साथ एक और भी कार्ड ऐसा था जो 2003 के अंदर था, जिसका नाम था PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि जो इंडियन ही है। उस समय पर यह कार्ड हुआ करता था, लेकिन अब दोस्तों OCI कार्ड चलन में ज्यादा है। अब हमें समझना होगा कि ये OCI कार्ड कौन व्यक्ति कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, अगर वो इसको अप्लाई करना चाहते हैं। इसके लिए मुझे आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलना होगा, तो चलिए चलते हैं और समझते हैं इसके बारे में कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों ये है वो वेबसाइट, क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करें। अब यहां पर दोस्तों आपको प्रोसीड अगेन यहां पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपको नीचे की तरफ आना है, यहां पर आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करना है, फिर अगेन आई हैव इस पर क्लिक करना है, फिर एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर आपको डालना होगा, वो मैं डाल रहा हूँ। अब जैसे आप ये डाल देंगे, एंटर जो दिया है इस पर क्लिक करना है आपको। अब आपको फिल न्यू एप्लीकेशन इस पर क्लिक करना है। अब एक नई विंडो खुल चुकी है, यहाँ पर अपना प्लेस ऑफ सबमिशन, यानी कि आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको अपना सरनेम, गिवन नेम, यहाँ पर आपको मेल फीमेल जो है सिलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, कंट्री का नाम डालना है, जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस, सारे ये बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, नेशनैलिटी क्या है ये सब आपको डालनी है। फिर आपको नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर आपके पास कुछ है तो डालना, नहीं तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। विजिबल मार्क जो भी कोई आपकी बॉडी पर होगा वो डालना है। फिर नीचे की तरफ आएंगे आप, इस प्लस पर के निशान है जो, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अपनी जो है पासपोर्ट की डिटेल्स डालनी होगी, और फिर आपको अपनी फैमिली की डिटेल्स डालनी होगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने पासपोर्ट की डिटेल्स सारी डाल देनी है। फिर उसके बाद आपको एप्लीकेंट्स फैमिली, जो आपकी फैमिली की डिटेल्स है वो डालनी है, और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने एक नई स्क्रीन आ जाएगी, जिस पर आपको सबसे पहले एप्लीकेंट्स फैमिली डिटेल्स डालने के बाद स्पाउस डिटेल्स भी पूछी जाएगी, वो सब आपको डाल देनी होगी जो आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। जैसे ही आप ये सब फिल कर देंगे, फिर आपको जो है आगे जो स्क्रीन दिखाई देगी उसमें दिखेगा ऑक्यूपेशन, यानी कि आप काम क्या करते हैं, एप्लीकेंट्स एड्रेस क्या है, वो सब आपको डालना होगा। जब ये सारी डाल देंगे, नेक्स्ट पर फिर से क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने एक और स्क्रीन आएगी, जिस पर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करनी होगी, जो भी आपने भरा है वो सब आपको चेक करवाना है। जैसे ही आप वो सारी चीज़ चेक करवा देंगे, आपके सामने जैसे ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो दोस्तों अब उसके बाद नीचे अगर आपको कुछ मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई पर क्लिक करके चेंजेस कर सकते हैं इसी स्क्रीन पर, अदरवाइज आप इस पर सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपको नेक्स्ट स्क्रीन दिखाई देगी, जिसके अंदर आपको जो है अपनी जो भी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि आपका जो इमेज है, फ़ोटो आपको अटैच करनी है, और किस साइज़ में अटैच करनी है, सिग्नेचर अटैच करने हैं, ये आपको सारा डिटेल दिखाई दे रही है।
जैसे ही येस आई एम रेडी विद इमेज इस पर क्लिक करेंगे आप अपनी इमेज अपलोड कर पाएंगे। और इसको क्लिक करने के बाद एग्जिट जैसे ही करेंगे उसके बाद आपके सामने एक और स्क्रीन आएगी दोस्तों। उस स्क्रीन के अंदर आपको जो है ये जो फाइल नंबर है या जो भी एप्लीकेंट का नाम है डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ पर दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी आपको, यानी कि यहाँ से आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। अब दोस्तों ये सब करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना होगा और आपको ये यहाँ पर सब जगह नो नो करना होगा। अगर आपको ये बेसिस है कि आप कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते, जो भी डिटेल्स इसमें बताई गई हैं उसके हिसाब से आपको येस या नो करना होगा। फिर ये सब कर लेने के बाद आपको जो लास्ट ऑप्शन जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा यहाँ पर, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिए हैं उसके बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। इस तरीके से आप OCI कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।